सरिया के सांकरा में सन 1895 से दहिकादो उत्सव निरंतर मनाया जाता आ रहा है। इस पर्व को कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन नंदो उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपनी बाल सखाओं के साथ माखन चुराकर लूटपाट करके खाया करते थे, ठीक उसी तर्ज पर सांकरा के जनमानस घर घर प्रसाद लूटकर खाया करते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। सरिया अंचल से 12 किलोमीटर दूर चारों ओर उड़ीसा से घिरा हुआ ग्राम पंचायत सांकरा है, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है। यहाँ बहुत से पर्व एवं त्योहार को बड़े ही हर्ष के साथ मनाया जाता है। ऐसा ही एक उत्सव है दही कादो। आपको बता दें, सन 1895 से यह दही कादो उत्सव निरंतर सांकरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन नंदो उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपनी बाल सखाओं के साथ माखन चुरा कर लूटपाट करके खाया करते थे, ठीक उसी तरह से सांकरा के जनमानस घर घर प्रसाद लूट कर खाया करते हैं। यह उत्सव भारतवर्ष में केवल वृंदावन में ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसके बाद सांकरा में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसलिए सांकरा को द्वितीय वृंदावन भी कहा जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार सांकरा गांव में ही देखने को मिलता है। परंपरा के अनुसार इस उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को नचा नचा कर प्रत्येक घरों तक ले जाया जाता है तथा सभी के घरों में से प्रसाद निकाल कर लूट लूट कर खाया जाता है। अनोखा एवं अद्वितीय उत्सव सांकरा का दही उत्सव है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक प्रकाश नायक सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ इस उत्सव में शामिल हुए। जी, आज पूरा वर्ष, पूरा भारत वर्ष कृष्ण की जन्माष्टमी मना रहे हैं और ये सांकरा गांव जो उड़ीसा से घिरा हुआ है और रायगढ़ जिले का अंतिम छोर है, यहाँ पर सैकड़ों साल से दही कादो के नाम से उत्सव मनाते हैं और आज के दिन यहाँ पर घर घर मिठाई बनती है और मथुरा के स्टाइल में छीनते हैं उसको और छीन के मिलवा दिखाते हैं। ये अपने आप में एक अनोखा त्यौहार है इस गांव का और मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह की कोई त्यौहार नहीं बनती होगी। हमारे गांव सांकरा में बहुत दिन से प्रचलित है। हमारे जो पूर्व पीढ़ी, हमारे वंशज, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, दादाजी, कितने साल से ये पर्व हम पालन करते आ रहे हैं, हमको भी शायद मालूम नहीं है। फिर भी जहाँ तक संभव हो, 1895 से ये पर्व 1895 से ये पर्व पालन किया जा रहा है और ये आज तक भी इतना भीड़ भाड़, इतने लोग, इतने कहाँ से बंधु बांधव, जितने भी भाई भी आ रहे हैं और ये पर्व के दिन आज झगड़ा स्वामी की, ये हमारा पुराना इतिहास है। कई साल, कई सौ साल से बहुत पुराना हमारे से इतिहास चल रहा है कि जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के दूसरे दिन में दहिका तो रंगोत्सव के पर्व में मनाया जा रहा है। अरे पूरे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इधर पास इधर भी नजदीक के लोग ये पर्व को मनाने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे भारत देश में बहुत बड़े भारी उत्सव मनाया जा रहा है। सांकरा चारों तरफ से घिरा हुआ है उड़ीसा से, ऐसे में जो उड़ीसा संस्कृति है यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। चारों तरफ उड़ीसा से घिरा हुआ है जो सांकरा छत्तीसगढ़ में आ रहा है, प्रत्येक गाँव के लोग यहाँ आके मनाने उत्सव को बहुत भारी से बढ़ा रहे हैं और इतिहास बहुत पुराने जमाने से और चलता आते जाते चल रहा है और उत्सव हर साल बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ये जो हमारे गांव में दहिका दो उत्सव मनाया जाता है, ये सन 1895 में 1895 से चली आ रही एक प्राचीन परंपरा है जो श्री कृष्ण भगवान को की मूर्ति हमारे गांव में नचा नचा कर घुमाया जाता है और हर घर में प्रसाद वितरण होती है, उसको लूट लूट कर खाया जाता है। हम लोग ये उत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पूरी ग्रामवासी काफ़ी उत्साह रहते हैं, सभी घर में मिष्ठान, भगवान सभी जगह घूमते रहते हैं बाजा गाजे के साथ। हमारी ये पुरानी संस्कृति, हमारे दादा परदादा लोग बताते हैं, हमारे पूर्वज लोग कि वृंदावन गए थे और वहाँ से ये संस्कृति यहाँ पे आई है और चारों तरफ उड़ीसा भी से हम लोग घिरे हुए हैं। संस्कृति उड़ीसा में भी लगा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा लगाव रहता है तो हम लोग ये नंद उत्सव को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ हम सभी मनाते हैं। सरिया से रेशम की रिपोर्ट, ACN 24।